नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे रीजनिंग की जो आपको क्लासेस दी जाती है प्रत्येक यहाँ थर्सडे को आज आपको दी जा रही है, तो उसी में हम यहाँ पे आज 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। मैंने थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के इस बार लेने की कोशिश की है, या फिर मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में आप कह सकते हैं, ईजी तो नहीं होंगे, तो उनको हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं वो आपको पता होनी चाहिए और किस टाइम में हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी भी हमारी होनी चाहिए और साथ ही साथ हमारी टाइमिंग भी होनी चाहिए। साथ ही साथ और चीज़ों के लिए आप यहाँ पर हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ से सारी चीज़ों को आप क्लासेस 9:15 में डेली हर एक अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर आपको डेली प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर संडे फ्री मॉक टेस्ट भी आपको दी जाती है 3 से लेकर 5 PM तक, बाइलिंगुअल होती है तो वो भी आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन, यहाँ पे 20 क्वेश्चन हैं आपके शीट नंबर 2 से, तो उनको हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है उसमें कौन सा ऐसा इन चार ऑप्शनों में से इक्वेशन है जो यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ट्राई करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग होती है तो यहाँ पर ध्यान देने लायक चीज़ें होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा और कौन सा गलत होगा। अगर मैं देखूँ अगर प्लस लूँ तो और यहाँ पे डिवाइडेड लूँ तो ये तो लास्ट को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस लास्ट वाले पे लूँ प्लस और डिवाइड में, अगर मैं यहाँ डिवाइड डालूँ तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए तो सबसे पहले तो यह कट गया। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड और इनटू, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड लूँ तो यहाँ पे डिवाइड लूँ 440 डिवाइड 11 माइनस 85 बराबर 57 माइनस 34 इंटू 3। अब इस तरह से मैं करूँ तो 40 85 बराबर 57 माइनस 102, अगर मैं माइनस करूँ तो 45 होगा और यहाँ से भी माइनस करूँ तो 45 होगा, माइनस का 45। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि यह जो ऑप्शन है यह यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह से एक एक करके चेक करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे कोड दिए गए ना उनमें बताना है आपको कि अगेन के लिए यहाँ पर कौन सा कोड आएगा, यह एक कूट भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो कॉमन चीज़ें रहती है ना तो उनको हम काटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सी एंड अगेन में हम देखेंगे, सी एंड अगेन, तो सी और किस में हमें मुझे दिख रहा है कम एंड सी, और यहाँ पे इसके लिए जो कोड दिया गया है ना हा सा, और इसके लिए कोड दिया गया है का ना सा, सी एंड और यहाँ पर भी सी एंड है तो ये कट गया। अब इन दोनों में कौन कौन मिल रहा है, ना मिल रहा है ना काट दिया मैंने, सा मिल रहा है सा काट दिया, अब का किसके लिए बच गया अगेन के लिए, तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, का हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें यहाँ पर यह जो स्टेटमेंट दिया गया है मतलब कि हम जो सीरीज देगा उसे सेटिस्फाई करवाना है इन चार ऑप्शन में, सेम ऐसा ही होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि 12 × 4 अगर मैं करूँ तो 48 होता है, और 48 में 71 × करूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 3408, मुझे यह मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं इसे करूँ तो 3×12 × 18 में अगर करूँ तो 216 होता है, तो उसी तरह से मैं यहाँ पर 13×52 × 5 तो 5×10 तो इंडिया 5 है तो यह कट गया, 9×36 × 18 8×48 तो यूनिट डिजिट फर्स्ट 8 मिल रहा है, यह हो सकता है, 41 × 4 यह तो बहुत बड़ा बीच में आ जाता है यह होगा नहीं, 23×92 × 15 5×10 यूनिट डिजिट 5 मिल रहा है तो यह भी नहीं होगा, तो हमारा पी जो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें करना है, टाइम बचाना है, यूनिट डिजिट मिला हमें इसे टिक करके निकल जाना है। नेक्स्ट है क्यू आर बी, मतलब इस तरह से जो सीरीज दिए गए हैं लेटर सीरीज उसे हमें सेटिस्फाई करना है, तो क्यू आर उसके बाद एस आ जाएगा। ठीक है, टी हमारा 20 पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है, तो प्लस 8 किया गया है। ठीक है, तो इसमें प्लस अगर हम 8 करें तो 10 हो जाता है, 10 पर हमारा कौन सा आता है जी, अगर हम ध्यान से देखें तो एस डी यह कट गया, एस के बाद जे है यह हो सकता है, एस के बाद डब्लू है तो यह भी नहीं होगा, एस के बाद एल है तो यह भी नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। टाइम बचाना है, इस तरह से हम कर सकते हैं, बाकी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है जी हमारा कितना पर है 7 पे, उसके बाद भी हमारा कितना पे आता है 22 पे, तो मतलब कि अगर मैं इस साइड से चलूँ पीछे साइड से तो अगर मैं इसे 22 में कितना जोड़ूंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा, तो 7 और 5 मतलब कि पहले तो 4 जोड़ना पड़ेगा 26 होगा, 26 में
छः जोड़ना पड़ेगा, मतलब 10 इसमें इधर से प्लस किए गए हैं और 7 से इधर माइनस किए गए हैं। तो 22 में अगर माइन मतलब कि 22 में अगर मैं माइनस 10 करूँ तो हमें यहाँ पर 12 मिलेगा, और 12 पे क्या आता है हमारा, सॉरी 22, ठीक है, तो 22 पे हमारा आ जाएगा 10 12 जे के एल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यह इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसमें निष्कर्ष बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले इनइक्वालिटी में अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वह सबसे पहले गलत हो जाएगा, और ग्रेटर देन में सबसे पहले ग्रेटर को रिफर करेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल को, ठीक है, फर्स्ट इसको सेकेंड में इसको, फिर लेस देन में पहले लेस को फिर इक्वल को फिर लेस देन इक्वल को, तो पहले इसके फिर सेकेंड में इसे। तो आर और एफ में, आर और एफ में अगर देखें तो हमें एक डायरेक्शन इधर मिल गया, एक डायरेक्शन इधर मिल गया, तो ये सबसे पहले कट गया। नेक्स्ट हम बात करें आर और जेड के बीच में, आर और जेड के बीच में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मुझे ग्रेटर देन इक्वल को लेना है, लेकिन यहाँ पर इक्वल आ गया, तो ये अभी यहाँ पर कट गया, ना तो निष्कर्ष वन ना ही तो दो सत्य हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सेटिस्फाई करवाना है, तो एफिल टावर कहाँ पे है, फ्रांस में, तो ग्रेट वॉल कहाँ पे हो जाएगा, चाइना में। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का मतलब कि यहाँ पे अनुसरण का अनुमान का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो गुंजन एक शानदार अभिनेत्री है, पहला गुंजन के माता पिता अभिनेता हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यह पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, गुंजन ने कुछ हॉलीवुड में फिल्में की हैं, अगर की होंगी लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो यह भी यहाँ पर गलत हो गया। तो कोई भी अनुसरण नहीं करता है, अनुमान अनुसरण नहीं करता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 945 105 इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, तो मुझे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 945 105 297 और 429। 36 इसमें किया गया है और यहाँ पर आपको 60, इसमें अगर मैं कितना जोड़ूंगा तो 24 जोड़ूंगा तो आ जाएगा, तो इसमें भी कितना मैं जोड़ रहा हूँ 24, 84, फिर इसमें 105 4 जोड़ेंगे तो 189, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे भी जोड़ के मैं दिखा देता हूँ कि ताकि यह सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा हो कि सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, तो इसमें अगर मैं 24 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 2 10 108, 79 में 108 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 297 आ जाएगा। तो इस तरह से सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पर लिखा गया है बैंकिंग और यहाँ पर इसके कोड दिए गए हैं, तो इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर बी के लिए कितना आता है, 2, इसमें 5 जोड़ा गया तो 7 आ गया। ए कितना पड़ा था, 1, 1 में प्लस 1 किया गया तो 2, फिर एन कितना पड़ा था, 14, 14 में 5 जोड़ा गया तो 19। मुझे समझ में आ गया कि कॉन्सोनेंट में प्लस 5 और भावेल में वही भावेल एक बार और जोड़ा गया है, मतलब उसी भावेल का कोड वहाँ पर जोड़ा गया है, तो कॉन्सोनेंट में प्लस 5 और भावेल में उसी भावेल का पोजीशन। तो सी हमारा कितना पर आता है, सी हमारा आ जाएगा 3 पर, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आ गया, फिर ओ हमारा 15 पे, 15 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 30 आ गया, फिर एन हमारा 14 पे, 14 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 19 आ गया, डी हमारा 4 पे, 4 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 9 आ गया। समझ में आ रहा है ना कि कॉन्सोनेंट में मैं क्या जोड़ रहा हूँ, 5, ठीक है। आगे हमारा यू हमारा 21 पर, 21 में प्लस 21 जोड़ेंगे तो 42, और फिर उसके बाद सी में 3 पर, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, और टी में अगर 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 25, तो होना चाहिए 8 30 19, इसमें भी है 8 30 19, इसमें भी है, उसके बाद 9 9 9 इसमें भी है 42, लेकिन यहाँ पर 18, तो यह कट गया, 42 वाला यहाँ पर सही हो गया, कोड इस तरह से हो जाएगा। सिगरेट को इस तरह से लिखा जाता है, तो डायरेक्शन को किस तरह से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि GIC को प्लट दिया गया है, मतलब CIG था उससे GIC कर देगा, तो इसी तरह से DIR को RID, ऑप्शन में देखूँ तो RID कहीं पर नहीं है, सिर्फ फर्स्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी और भी कर लेते हैं, ARE तो इसे प्लट दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TCE लिखा हो जाएगा, तो यहाँ पर TCE है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के 13 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, मतलब कि पहले 13 अक्षर को, तो टोटल कितने होते हैं, 26, 26 में से 13 जो होते हैं ए से लेकर एम तक उसे उल्टा लिखा गया, तो मतलब एम फर्स्ट में आ जाएगा और ए लास्ट में आ जाएगा, बाकी के सेम उसी तरह से लिखा गया, तो मतलब कि यहाँ से कितना आ जाएगा, एन, एन से लेकर जेड तक, तो मतलब यह क्या है, सेम है,
तो 13 तो यहाँ पर हो गए टोटल, और 13 यहाँ पर हो गए। आगे क्या बोल रहा है कि कौन सा अक्षर आपके दाएं ओर से 17वां स्थान पर होगा, मेरे दाएं ओर से मतलब कि दाएं ओर इस तरह से हो जाएगा। तो 13 तो ऑलरेडी यहाँ तक होंगे, और प्लस कितना जोड़ा हमें, 4। तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी। अब 1 2 3 4, तो 13 में 4 जोड़ेंगे कितना होता है, 17। और 17 पे मतलब 4 पे कौन आ रहा है, डी। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, मतलब डी आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ चेयर रैंक है, मतलब कि मैं कुर्सी को चेयर लिख रहा हूँ। उसके बाद सभी बेड ट्रे हैं, सभी रैंक बेड हैं, और सभी बेड क्या हो जाएंगे, रैंक हो जाएंगे। कुछ कुर्सियाँ बेड हैं, कुछ कुर्सियाँ बेड हैं, ऑफ कोर्स फर्स्ट सही हो जाएगा। सभी बेड रैंक है, सभी बेड क्या रैंक है, नहीं कुछ रैंक बेड है, तो यहाँ पर यह गलती हो जाएगा। सभी ट्रे कुर्सियाँ हैं, सभी ट्रे कुर्सियाँ नहीं, कुछ कुर्सियाँ ट्रे हैं, तो यहाँ पर यह भी गलती हो जाएगा। तो मतलब कि फर्स्ट हमारा सिर्फ सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, दो में सीरीज है, नंबर सीरीज का ऑप्शन, दो में अगर 5 जोड़ें तो 17 हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ें तो सॉरी 1 मिनट, दो में अगर 5 जोड़ें तो 7 हो जाएगा, 7 में अगर 10 जोड़ें 17 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ें 22 हो जाएगा, 10 जोड़ें तो 32 हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें कह रहा है कि जो लुप्त संख्या है उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगर 32 में अगर 5 जोड़े तो हमारा कितना हो जाएगा, 37 × 47, और 37 में 10 जोड़े तो 47, 47 में अगर 5 जोड़े तो हमारा 52 × कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 50 से पहले 37 में इंटू कर लेते हैं, तो 0 7 5 35, और 15 18, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 37 दो नहीं हो जाएगा हमारा 14, 72 हो जाएगा, तो 4 2 1 9, 1924। तो 1924 हमारा सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमें यह सेटिस्फाई करवाना है, किस तरह से यहाँ सेटिस्फाई होगा, जो इसके कोड देंगे वहाँ पे कोड हमें पुट करना है। 5 7, एस के लिए हमारा क्या है, गुना 3, डी के लिए हमारा घटाव 3, 8 के 8 मतलब पी के लिए हमारा क्या आ जाएगा, योग 6, भी के लिए हमारा भाग 7, उसके बाद डी के लिए घटाव 11, 3 एस के लिए हमारा गुना 13 × 2, पी के लिए हमारा आ जाएगा योग, और 41 एस के लिए हमारा गुना 9 कर लेते हैं, 17 21 21 5 105, ये हो जाएगा 8 6 14, 14 14 43 42, 21 हो जाएगा माइनस, इसे हम इंटू कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना, 26 या फिर 39 × 78 हो जाता है, 78, ठीक है, 39 × 2 कर लेता हूँ, तो मैं इस तरह से बता रहा हूँ, प्लस 2 × 39 6, ठीक हो गया, 36 9, फिर से कर लेता हूँ, 105 − 21, 21 इंटू करता हूँ तो 8 7 15, और ये 7 1 8, 858 हो जाएगा, प्लस 18, 6 2 12 13, और 3 2 6 1 7, 738। अब मैं इसे माइनस कर लेता हूँ, प्लस वाले को प्लस के साथ, 105 को यहाँ पे ऐड करूँगा तो 3 4 843, और 21 को यहाँ पे ऐड करूँगा तो 9 7 8, और इसे मैं माइनस करूँ 8 4 3 में, तो 36 हमारा आएगा। तो हमारा यहाँ पे कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, 36 नहीं आना चाहिए, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 14 14 42 42 6 6 हो जाएगा, तो मैं 6 इसमें ऐड करूँ, 814 6 864 864 में 43 करूँ तो −21 आ जाए हमारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है बहुत ही सही तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इल्बो को ये लिखा जाता है, एंकल को यह लिखा जाता है, तो रिस्ट को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर इसके कोड दिए गए हैं, उसको कोड को यहाँ सेटिस्फाई कराना है। और मुझे कुछ समझ में आ रही, तो मुझे यह समझ में आ रही कि यहाँ पर जो रिवर्स करके जैसे W का है D कर दिया गया है, मतलब कि उसका अपोजिट O का L कर दिया गया है, अगर O 15 पे आता है तो L 12 पे आता है, तो टोटल 27 हो गया, इस तरह से यहाँ पर किया गया है। तो रिस्ट को लिख लेते हैं, 23 18 9 19 और 20, W के लिए था कोड, या R के लिए,
आई एस और यह टी के लिए। एस का उल्टा हमारा चार होता है, चार पर हमारा डी हो गया, नौ होता है, नौ पे हमारा आई हो गया, इसका अठारह होता है, अठारह पे हमारा आर हो गया, उन्नीस का उल्टा कितना होता है आठ, हमारा कितना हो जाएगा या ध्यान से सोचे तो आठ हमारा एच होता है, सात हो जाएगा, सात पे हमारा क्या हो जाएगा जी। अब क्या किया गया इसे उलट के लिखा गया, मतलब इस साइड से लिखा जाएगा, ठीक है, जी एच आर आई और डी, जी एच आर आई डी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, जो यहाँ पर दिए गए हैं उसके लुप्त पदों को ज्ञात करें, डी डी अगर चार पे, जी सात पे, तो सात और तीन दस, तो जी आ गया, जी आ जाएगा। ई अगर हमारा कितना पर आता है पाँच पे, एच आठ पे, तो आठ और तीन ग्यारह, मतलब कि जे जे और के जिसमें पहले है उसको पहले देख लेंगे, तो ये इसमें और इसमें है, इन दोनों को हम काट देंगे। अगर पचहत्तर में कितना जोड़ा गया है तीन, अठहत्तर, अठहत्तर में अगर हम पाँच जोड़ें तो हमारा कितना हो जाएगा तिरासी, और तिरासी में अगर हम सात जोड़ें तो नब्बे हो जाएगा, मतलब कि और नंबर को यहाँ पर ऐड कर रहा है, तो तिरासी हमारा हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर लुप्त पदों को यहाँ पर जो है उसे फिल करना है, ठीक है, तो यह सीरीज का क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का। तो ए के बाद डी है, लेकिन ए से पहले यहाँ पर ए अगर हम देखें तो ए आता है, ए भर दिया मैंने, डी के बाद मैं अगर देखूँ तो यहाँ भी आता है, तो ए और भी हो गया, के बाद कहीं दिख रहा है तो के बाद आर आता है, यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, तो ए भी आर, ए भी आर, ए भी आर, इसमें तो यह तो कट गया। उसके बाद के बाद, के बाद क्या आता है, आर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, ए के बाद क्या आ रहा है, ए, तो ए भी आर ए, ए भी आर ए यहाँ पर मिल रहा है मुझे, तो यह ऑप्शन सही हो गया, बाकी सब यह कट गए, तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद और भी देख लेते हैं, भी, भी के बाद क्या आता है के यहाँ पर आ रहा था, उसके बाद ए के बाद क्या आता है डी, डी, और भी के बाद क्या आता है भी, इस तरह से यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। प्रैक्टिस से कीजिएगा तो बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन ये सारे हो जाएंगे, क्योंकि मैं एग्जाम बेस्ड कर रहा हूँ, तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा ऑलरेडी चीज़ों को, और मैं यहाँ पे बताऊँगा किस तरह से अटैम्प्ट करना है और किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छह विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर स्टेटमेंट में कभी अगर नहीं बोले ना कि किस तरफ बैठे हैं, तो हमेशा सेंटर की तरफ ही उनका क्या होगा, फेस होगा, ठीक है। हैदर अमित के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, हैदर अमित के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अमित हैदर, पवन अमित के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अमित के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पवन, इस तरफ से देखिएगा, ठीक है। इसका अगर मैं इस तरफ से देखूं तो दाएं कहाँ हो रहा है, इस तरफ हमें आना चाहिए इतना, सिया रवि के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बैठी है, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं सिया और रवि कहीं पे मैंने मतलब मेंशन नहीं है, अमित सिया और रवि के दोनों का निकटतम पड़ोसी है, अमित जो है सिया, सिया और रवि यहाँ भी आ सकते हैं और सिया और रवि यहाँ भी आ सकते हैं, मैंने दोनों को अभी फ़िलहाल के लिए बैठा दिया, लेकिन सिया रवि के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सिया रवि, अगर रवि अगर मैं यहाँ बनूँ तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर, मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगी, सिया, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, रवि, सिया यहाँ पर, रवि यहाँ पर, तो बच कौन गया है इन दोनों में, लास्ट वाले में कौन बच जा रहा है, यहाँ पे मैं बात करूँ, एक तो कोई बच जा रहा है, अमित सिया रवि, सिया रवि के हमें चार ओवर बैठा है, तो एक जो भी है उसका यहाँ पर स्थान बच गया, जिया मतलब कि जोया, सॉरी यहाँ पर जोया एक नाम आ गया, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, जोया, जोया और रवि के बीच में कौन बैठा है, तो पवन, ठीक है, यहाँ पर रवि था, यहाँ पर रवि और यहाँ पर जोया, इन दोनों के बीच में कौन हो जाएगा, पवन, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शायद यहाँ पर उसने डालना भूल गया, एक इमेज था, डाइस का क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह से डाइस का क्वेश्चन था, वो डालना भूल गया। 20 पे आते हैं, एक पंक्ति में बैठने बैठे एक पैनल में छह सदस्यों में से एक्स वाई के बाई ओर, एक्स वाई के बाई ओर किंतु पी के दाई ओर है, वाई क्यू के दाई ओर है, वाई
के दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है, जेड आर के बाईं ओर है, छोर पे कौन सा सदस्य है? तो क्यू और आर हो जाएंगे इस तरह से, लेकिन यहाँ पे मेंशन इस तरह से तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर से बना लेते हैं। एक पंक्ति में, एक पैनल में छह सदस्य, एक्स वाई के बाईं ओर किंतु पी के दाईं ओर, वाई क्यू के दाईं ओर है वाई, तो यहाँ पे आ सकता है। एक और बना लेता हूँ, दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है, जेड आर के बाईं हो रहा है, तो यह भी एक यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो पी और आर ऑप्शन में है क्या? तो हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि एक ही बार में हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई कर जाए, उसके लिए दो दो स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। अगर इसमें पूछता तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई करता तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सारे 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके काफ़ी अच्छे लेवल के थे। बाकी सभी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे कोर्सेज हैं जो कि आप स्टडी फॉर गोल्स पर जाकर परचेज कर सकते हैं, और अपने झारखंड के तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप हमारे ऐप को जरूर विजिट कीजिए, जहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग आप तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।